बच्चों क्या हल हल, कैसे हो आप सब लोग वेरी गुड इवनिंग टू टू ऑल ऑफ यू माय सेल्फ वेलकम फिजिकल केमिकल ियम का लेक्चर नंबर फोर है और ये आज इसका लास्ट लेक्चर है आज इस चैप्टर को खत्म करके आप लोग कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नाम होगा आयन इक्लिब्रियम कैसे हो कनिका कोमल आरजू इरफाना चूही शिवा कुमकुमदास पूजा कुमारी निशा सपना बितरंगी नितिन रिया अनामिका जूही माधवी जोया स्टील सबको राम राम सबको हमारी तरफ से जय श्री महाकाल जय श्री महादेव वालेकुम अब बताइए अब बताइए आज आप लोगों ने डीवीपी कर आए हैं कि नहीं सॉल्व करी है कि नहीं और आज आज के लेक्चर में आपको दो डीबीवी दे रहा हूं मैं डीबीवी टू डीबीवी थ्री लगाइएगा खूब प्रैक्टिस करिएगा मजा आएगी आपको लगाने में टुडे इज माय बर्थडे ओके बेटा वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू स्टेबलेस शुरुआत करते हैं देखो हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कल चर्चा करी थी उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आज भी करते हैं तैयार हो करने के लिए पहले मैं आपको टाइम देता हूं क्वेश्चन पढ़ो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कह रहा है इफ ए रिवर्सिबल साइन टू बी इनिशियल मोल ऑफ ए टू मोल दिया है आफ्टर टेन सेकेंड टोटल मोल ऑफ कंटेनर इज टोटल मोल बताने यानी कि किम में टोटल मोल्स कितने हैं तीस सेकेंड का पोल ऑन किया है ट्राई करके देखो नहीं आएगा तो हम पूरा बताएंगे आपको परेशान होने की बात नहीं है सिर्फ ट्राई करने के लिए कह रहा हूं ओके okay. सॉरी uh, माइक बंद था मेरी गलती मेरी गलती आप में से ऐसा कौन कौन है जो मान लो अगर नहीं आ रहा है तो कह देता है कि यार आंसर सी मार्क कर दो है ना कोई तो ऐसा होगा तो ये कहता होगा कि सर नहीं आता है आंसर सी मार्क कर देंगे देखो कैसे होगा गिव्स टू बी हमको तीन कंडीशंस याद रखनी है एक इनिशियल टाइम एक कुछ समय के बाद और एक इक्विलिब्रियम टाइम बेटा इनिशियल मोल ऑफ इज टू ये गिवेन है देखो रेआम लिखा है ये टू मोल है ये जीरो है लेट एक्स एक्स क्या होता है एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पढ़ाया हुआ है यस और नो यस ओके इसके बाद अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स ये टू माइनस एक्स और ये जीरो प्लस टू एक्स टोटल मोल्स टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स तो टू प्लस एक्स आंसर आ गया देखो ना माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स बचा लेकिन एक्स होता है मोस्ट डिसोसिएटेड और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका जो आंसर है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है वो एक्स से रिलेटेड नहीं है बच्चों आइए आपको कल की बात बताता हूं मैंने पढ़ाया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड यानी कि एक्स अपॉन इनिशियल मोल्स जो कि यहां पर टू लिए गए हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई है टू अल्फा आ गई है अब x की वैल्यू टू अल्फा यहां पर पुट करिएगा तो टू प्लस टू अल्फा ये आंसर डी है अब बताइएगा सोच समझ के क्या आया समझ में कि नहीं आया अब बताइए नोट कर लिया क्या नोटेड आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रति ई का क्वेश्चन है 2012 45 सेकंड टाइमर लगा देते हैं कोशिश करो करने की इजी है बहुत इजी है मैं करूंगा आप पहले कर लो चलिए देखते हैं। एक गलती हो गई एक गलती हो गई एक गलती हो गई <laughs> ये ऑप्शन सारे ही गलत दिए हैं आपको अभी मेरा ध्यान गया अचानक से लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने गलत ऑप्शन में भी सही मार्क कर दिया है पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम <laughs> वाह यार गजब गजब हो गया ये ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं <laughs> अब समझ में आया स्पैमिंग सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते स्पैमिंग हम भी कर सकते <laughs> <laughs> इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन है दो तो सत्ताईस एक का है तीन और एक का है <laughs> <laughs> ए, चीटिंग, चीटिंग 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 करता है तू चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है <laughs> आले रे आले बहुत मजा आ <laughs> ली टीली लीली गाइज तो एक बार हम करके दिखा देते हैं क्वेश्चन है टू ए बी थ्री ए टू प्लस थ्री बी टू दे रहा है हिजीबिटी बातें टी इक्वल बाते टू जीरो कुछ समय के बाद क्म टाइम एट मोल्स इन डेसी मीटर क्यूब वेल डेमी क्या हो गया ऑफ ए टू आर फॉर्म्ड देखो ये इंफॉर्मेशन मतलब की है इक्विब्रियम में टू मोल ए टू फॉर्म्ड हो रहे हैं और एट मोल एबी थ्री इंट्रोड्यूसड किए गए हैं यानी कि इनिशियल मोल्स दिए गए हैं कितने आठ ये जीरो है यह जीरो है कुछ समय के बाद यह एक्स टूटेगा पर चूंकि एट माइनस टू, तो टू एक्स तो ये, तो ये, ये, ये जीरो प्लस एक्स ये जीरो प्लस थ्री एक्स हमें की जो चाहिए हमें अब की जो चाहिए वो है इक्विब्रियम कॉन्सटेंट निकालना है इक्विब्रियम कॉन्सटेंट डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स एट इक्विब्रियम तो बेटा जब हम के इक्विब्रियम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन विदिस्टम रेस टू तो दावर इक्वल टूट्रिको तो तो फिशन यानी कि यहां पर वन होगा यहां पर थ्री होगा डिवाइडेड बाई ए बी थ्री पावर टू ए टू बोले तो एक्स अच्छा एक चीज और बता दें एक चीज और बता दें रुको 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 यहां पर एट इक्विब्रियम टू मोल ऑफ ए टू आर फाउंड सुनना मेरे हिसाब से यहां पर जो दिया है टेंस एट इक्विब्रियम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू इज इक्वल टू टू तो ये तो टू मोल है आपने कंसेंट्रेशन क्यों लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम वन लीटर है तो टू अपॉन वन टू ही होता है और हमारा यहां कंसेप्ट से ए टू का जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो एक्स है X की वैल्यू टू आ गई यदि एक्स की वैल्यू टू आ गई तो भाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एबी थ्री मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी थ्री जो कि है एट माइनस टू एक्स यानी एट माइनस फोर यानी कि फोर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू जो कि है थ्री एक्स यानी कि थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स लो बेटा सारी वैल्यूज पता चल गई हैं तो ए टू का कंसेंट्रेशन कितना है टू मल्टीप्लाई है बी टू का कंसेंट्रेशन कितना है सिक्स का क्यूब अपॉन ए बी थ्री का स्क्वायर यानी कि फोर इंटू फोर काटा पीटी करो टू टू जा फोर और जैसे यहाँ पे मान लो क्यूब लिखा है तो क्यूब ना लिखकर हम क्या करें सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स तो फिर टू थ्री जा सिक्स हो गया फिर टू टू जा फोर और फिर से टू थ्री जा सिक्स हो गया और फिर से टू थ्री जा सिक्स हो गया थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन हो गया, ja ja, गया। आंसर आपका सी हो गया क्या सबको समझ में आया क्या सबको समझ में आया क्या आपने इसको नोट करा चलो फिर आगे बढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को देखो निहारो किसी बच्चे को पिछला क्वेश्चन ना आया हो तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाना चाहिए

नजरें यहां पर रखना अच्छे से समझाएंगे। फिर से एक बार इनिशियल टाइम कुछ समय के बाद और इक्लिब्रियम टाइम पचासों क्वेश्चन में इस तरह से कर चुका हूं अब देखो क्या कह रहा है। वन मोल ऑफ ओ टू एंड टू मोल्स ऑफ एसओ टू वर हीटेड यानी कि ये लाइन तुमको क्या दिखला रही है ये लाइन तुमको क्या समझाना चाह रही है ये लाइन तुमको ये समझाना चाह रही है कि ये हमारे इनिशियल मोल्स हैं ये हमारे इनिशियल मोल्स हैं। उसके बाद अगर वन लीटर वॉल्यूम दिया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इक्लिब्रियम में 1.6 पॉइंट ऑफ मोल्स आपको मिल रहे हैं जैसा पिछला क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन है, है सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है सेम कंसेप्ट रिपीट कर दिया गया है बस वैल्यूज डिफरेंट है सेम क्वेश्चन जैसा ये था हू बहू देखो इसके भी इनिशियल मोल्स दे दिए गए थे और इक्विब्रियम में एक का मोल दे दिया गया था भाई देखो ना ए का मोल यहां से जो आया वो एक्स आया लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है में A2 के मोल रहे हैं यानी कि एक्स की वैल्यू टू है यही काम किए थे ना सेम काम बेटा यहां पर करना है सेम काम तो इनिशियल मोल्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके टू दिए इसके वन दिए तो इसका जीरो है इसका हमने एक्स सिलेक्ट किया पर टू है टू एक्स हो गया ये एक्स हो गया ये टू एक्स हो गया ये टू माइनस टू एक्स ये वन माइनस एक्स और ये टू एक्स अब एट इक्विलिब्रियम एसओ थ्री के मोल्स टू एक्स आ रहे हैं लेकिन वन पॉइंट सिक्स हमको दिया है तो so, हमको समझ में आ गया कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसओ थ्री हैज बीन गिवन वन पॉइंट सिक्स यानी कि टू एक्स इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स यानी कि x इक्वल टू जीरो पॉइंट एट एक्स की वैल्यू यदि आ जाती है तो हमारा ये वाला जो कंसर्न होता है हमारी जो ये वाली वैल्यूज होती है इक्विब्रियम वाली वो हमें सारी पता चल जाएंगी कैसे पता चल जाएंगी भाई वैल्यू पुट कर दो ना यार अब SO2 का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा बताओ 2 माइनस टू है 2 माइनस टू एक्स टू माइनस टू एक्स की जगह क्या है टू माइनस वन पॉइंट सिक्स यानी पॉइंट फोर उसी तरीके से ओ टू का ओ टू का कंसेंट्रेशन क्या है वन माइनस एक्स यानी कि वन माइनस पॉइंट एट यानी कि क्या आ गया जीरो पॉइंट टू और उसी तरीके से एसओ थ्री का कंसेंट्रेशन कितना है टू एक्स यानी कि टू इंटू पॉइंट एट यानी कि वन पॉइंट सिक्स देखो बच्चों सारे कंसेंट्रेशन हम लोगों ने निकाल ली हैं दिख रहा है पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट टू अब हमें इक्विबियम कॉन्स्टेंट चाहिए यानी कि केसी तो केसी यहां से क्या आएगा एसओ थ्री का होल स्क्वायर अपॉन एसओ टू का होल स्क्वायर एसओ थ्री की वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स अपॉन SO2 टू का क्या है जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर इंटू ओ टू ओ टू बोले तो जीरो पॉइंट टू इन्हें काटो पीटो फटाफट वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स क्या आएगा आंसर अस्सी देखा सेम क्वेश्चन जो पीछे किया है ये क्वेश्चन बिल्कुल उसका रेप्लिका है जो पीछे किया है वही आगे किया है मान लो पीछे वाला ना समझ में आया हो तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा तो पीछे वाला आ जाएगा क्लियर है नहीं कैलकुलेटर क्या आप तो माइंड से किया देखो पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ फोर फोर या सिक्सटीन फिर ये फोर फोर कट गया फिर ये पॉइंट हटाओ तो वन सिक्सटी या पॉइंट टू यानी कि अस्सी ये कैलकुलेशन तो आसान थी ये तो दिमाग से कर ली जो कैलकुलेटर से करते हैं वो हम तुम्हें बता देते हैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना इस तरह के क्वेश्चंस की तुम डरना ही खत्म कर दोगे तुम्हारे मन से डर ही चला जाएगा अब ये तुम ट्राई करना चाहते हो फिफ्टी परसेंट डिकम्पोज का मतलब कल समझाया था कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है बताओ करोगे दे बोल चलो देखो एक बार करके देखो शायद आ जाए आंसर ये है नहीं आया तो परेशान ना होना मैं आपको सिखा दूंगा मुर्शीद रहमान ओमकार तंजिल सिंसिन वार इन बच्चों का आया है जिनका नहीं आया परेशान ना होए हम आपको बता देते हैं ठीक नहीं तो आए हैं ना हम लोग कोई बात नहीं अभी नहीं तो बाद में आ जाएगा देखो यार अपने को जो सबसे पहली बात इक्वेशन दी है उसे कायदे से नोट कर लेने का यकीन मानो बेटा जितने क्वेश्चन हमने करा दिए ना न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के उतने ही दोबारा अगर अच्छे से कर लोगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन शर्त यह कि दोबारा खुद से ईमानदारी से करना है इस क्वेश्चन की अगर तुमने लाइन पढ़ी हो तो वो देखो क्या कह रहा है अट्ठाईस सौ कैल्विन में वन मोल सैंपल ऑफ सीओ टू इन अ वन लीटर कंटेनर इज फिफ्टी परसेंट डिकम्पोज टू सीओ एंड ऑक्सीजन एट इक्लिवरियम वैल्यू ऑफ के सी निकालनी है यहां पे आपको इनिशियल मोल्स दे दिए गए हैं सीओ टू के जो कि वन है ये जीरो है ये जीरो है अब अगर ये टू एक्स टूटेगा क्योंकि सोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट ये है ये टू एक्स क्योंकि टू है और ये एक्स यानी कि वन माइनस टू एक्स टू एक्स 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 की वैल्यू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकाल सकते हैं कैसे निकलेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पचास परसेंट दिया है पचास परसेंट का मतलब होता है पचास अपॉन हंड्रेड पचास अपॉन हंड्रेड का मतलब हो गया 5. का होता है टोटल ले, ले, ले रहे हैं और इनिशियल मोल्स कितने हैं बेटा वन है तो यहां से एक्स की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में कितनी आ रही है अल्फा क्या है पॉइंट फाइव है ना ये देखो अल्फा क्या है पॉइंट फाइव अपॉन टू इक्वल टू एक्स वन अपॉन फोर पॉइंट टू फाइव एक्स की वैल्यू पॉइंट टू फाइव दिख रही है आपको दिख रही है कि नहीं नहीं दिख रही दिख गई नहीं दिखी दिख गई अच्छा अब पॉइंट टू फाइव वैल्यू यहां पुट कर दो तो वन माइनस वन माइनस 0.5 फाइव यानी कि ये हो गया पॉइंट फाइव टू इंटू पॉइंट टू फाइव यानी कि ये हो गया पॉइंट फाइव और ये कितना है पॉइंट टू फाइव सी कैसे निकलेगा सीओ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओ टू अपॉन सीओ टू का होल स्क्वायर इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं सीओ का होल स्क्वायर क्या हो गया पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव O2 का 0.25 और अपॉन CO2 का होल स्क्वायर यानी कि 0.5 फाइव इंटू पॉइंट फाइव जो जो कट रहा है उसे काटो ये 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 बचा ये यानी कि आंसर ये समझ में आई मेरी बात समझ में आई क्या मेरी बात जब तक करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं अगला क्वेश्चन आपके लिए नाइन्टी सेकेंड्स दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर दो तो बेटा एक बार इसका देखते हैं कैसे हम लोग आंसर को अप्रोच करेंगे यहां पे आपको निकालनी है हम्म hmm. देखो यार इसका आंसर तो ऑप्शन वन बाय फोर है एक सिक्सटीन है उप्स 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 खेल हो रहा है आपके साथ बेटा देखते हैं ये नाइन नहीं ये फोर लिखा है ये स्कैम एक बार फिर से हो चुका है तुम्हारे साथ आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता यार कुछ देखते हैं कुछ तो लोचा है इसके ऑप्शंस में एक बार मैं चेक करता हूं रुको एक मिनट एक मिनट ए प्लस टू बी गिव्स टू सी प्लस डी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी वॉज वन पॉइंट फाइव टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ए तो ऐसा करते हैं लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए वन ले लेते हैं फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ए यानी कि वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय वन यानी कि वन पॉइंट फाइव ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गई होंगी बट द इक्विब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर फाउंड टू बी इक्वल कह रहा है कि एट इक्विब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर है इसका उपयोग कैसे करेंगे ये अभी हम बाद में चलकर देखेंगे आपको निकालना है के सी शुरू करते हैं टी इक्वल टू जीरो कुछ समय के बाद टी इक्ब्रियम देखो भाई देखो 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 इसका या कंसल्टेशन कितना है वन इसका कितना है वन पॉइंट फाइव ये जीरो ये जीरो ये अगर एक्स है तो ये टू एक्स हो जाएगा ये भी टू एक्स हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा ये वन माइनस एक्स ये वन पॉइंट फाइव माइनस टू एक्स ये टू एक्स ये एक्स कह रहा था एट इक्ब्रियम एक्वल टू बी यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल कर दो यानी कि वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव माइनस टू एक्स अब क्या वन माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस टू एक्स प्लस एक्स ये माइनस पॉइंट फाइव ये माइनस एक्स माइनस माइनस कट गया एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव आ जाती है यहां से देखो एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव आ जाती है अब हम सारी कंसेंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं ए का कंसेंट्रेशन वन माइनस एक्स है यानी कि वन माइनस पॉइंट फाइव यानी कि पॉइंट फाइव कंसेंट्रेशन ऑफ बी वन पॉइंट फाइव माइनस टू एक्स है यानी कि वन पॉइंट फाइव माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव का मतलब हो गया वन और पॉइंट माइनस वन हो गया 0.5 पॉइंट कंसेंट्रेशन ऑफ सी 2x है यानी कि 2 इन टू पॉइंट यानी कि ये 1 है कंसेंट्रेशन ऑफ डी x है यानी कि 0.5 अब हम लोग क्या करेंगे फाइनल आंसर के लिए अप्रोच करेंगे यानी कि जो के सी है वो यहां से क्या होगा सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर सी की वैल्यू क्या है वन वन का स्क्वायर वन ही होगा डी की वैल्यू क्या है पॉइंट फाइव अपॉन ए की वैल्यू क्या है पॉइंट फाइव बी की वैल्यू क्या है पॉइंट फाइव का स्क्वायर यानी कि पॉइंट फाइव एंड पॉइंट फाइव अब देखो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव कट गया वन अपॉन पॉइंट टू फाइव कितना होता है फोर इसलिए आंसर डी है वन अपॉन पॉइंट टू फाइव बच रहा है तो इसमें गलत गलत ऑप्शन दिया था इसीलिए कहते हैं दुनिया में उतना स्कैम करो कि कहीं दुनिया वाले तुम्हारे साथ स्पैम ना करने लग जाए तो तुम्हारे साथ इतना तगड़ा स्पैम हो गया है कि दो बार आंसर्स तुम लोग निकाल रहे थे और पूरी को कहते हैं ना वो कहते हैं ना इतनी शिद्दत से तुझको पाने की कोशिश की है कि हर जर्रा ने मुझको तुमसे मिलाने की साजिश की है फीलिंग लाइक द किंग ऑफ दर्ल्ड तो भाई तुम लोगों ने इतनी शिद्दत से स्पैमिंग की पाने की कोशिश की है कि हर जर्रा ने तुम्हारे साथ स्पैमिंग की है डी ऑप्शन <laughs> गलत कर दिया सही बोले अच्छा एक तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं एक तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो है कि किस तरफ को डायरेक्ट किस डायरेक्शन में जा रही है जैसे कि आपसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा विच इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन ज्यादा स्टेबल है विच इज मोर स्टेबल तो इसका आंसर देने के लिए आप याद रखना कि इफ इक्विब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज टेन टू दावर थ्री और मोर न प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट इफ एसी इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस थ्री और लेस देन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं इफ के सी इज इक्वल टू टू पावर थ्री माइनस थ्री टू टेंट पावर थ्री देन बोथ आर स्टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टू विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड एक तो आपने ली चैट या प्रिंसिपल पढ़ा है लेकिन अब मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर हम रिएक्शन क्वेश्चन से देते हैं किससे देते हैं रिएक्शन क्वेश्चन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन हैज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ के सी बट क्यू इज बट क्यू इज डिफाइंड फॉर एनी कंसेंट्रेशन कभी भी किसी भी समय पे के लिए अगर आप फॉर्मला यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो वो रिएक्शन क्वेश्चन होता है बट क्यू इज डिफाइंड फॉर एनी कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम यहां पर आपको तीन कंडीशन याद रखनी है इफ क्यू इज ग्रेटर देन के सी इफ क्यू इज इक्वल टू के सी इफ क्यू इज लेसर देन के सी आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी मान लो रिएक्शन क्वेश्चन की दी हो किसी एक की तो पक्का दी होगी तो रिएक्शन क्वेश्चन की अगर दी है तो आपको बस मैच करना है केसी की वैल्यू के साथ क्यू ग्रेटर देन केसी है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी क्यू इक्वल टू केसी है तो इक्विब्रियम में होगी केसी ग्रेटर देन क्यू है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी अब देखो अभी आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी आप पहले इसको नोट कर लो इस पर बेस मैं क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है ये पहले आप नोट कर लो भाई उसके बाद मैं आपको इस पर बेस क्वेश्चन कराता हूं ताकि इसका सही मायने पता चल पाए ये है क्या मैंने ये बताया क्या है तो पहले आप लिख लो इसको अब देखो जैसे आपका 2015 हजार में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है कि इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज दिस देन एट इक्विब्रियम द सिस्टम विल कंटेन देखो ये वैल्यू 10 टू तो पावर 3 से बड़ी है कि नहीं क्या ये वैल्यू टेन टू तो दावर थ्री से बड़ी है या नहीं यस, मोस्टली प्रोडक्ट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया <coughs> तो इसी प्रकार के चुनने मुन्ने क्वेश्चन आएंगे अच्छा बैक टू नॉर्मल क्वेश्चन हम आपको कुछ ऑप्शंस टाइप करके दे रहे हैं आप क्या इसका आंसर निकाल सकते हो अच्छा ये एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन है ही नहीं इसको नॉर्मली करते हैं पीसीएल फाइव पीसीएल थ्री एंड सी टू आर एट इक्म हैविंग कंसंट्रेशन दिस अब एक बात ध्यान रखना कि अगर एट इक्म आपको कंसेंट्रेशन दिए हैं तो इक्विब्रियम तक कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है यानी कि वो तीन स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है टी इक्वल टू जीरोम क्योंकि इक्विब्रियम पे डायरेक्टली कंसेंट्रेशन दिए हुए हैं तो सीधा भाई केसी का फॉर्मूला लगाइए आप पीसीएल थ्री एल टू अपॉन में पीसीएल फाइव कितना थ्री कितना है कितना 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 वन पॉइंट फाइव नाइन पीएल टू कितना है कितना है कितना है कितना है वन पॉइंट फाइव नाइन फाइव कितना है वन पॉइंट फोर वन इसको सॉल्व कर लेना ये आपका आंसर है क्लियर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे याद रखिए हम लोगों ने यहां पे t इक्वल टू जीरोक्वल टू टी और इक्विब्रियम टाइम नहीं किया है क्यों नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इसका 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 सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल मतलब इन तीनों का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये दिया है और इक्विब्रियम तक जाने के लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इक्विब्रियम पे जो कंसेंट्रेशन मिलेगा वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना कि अगर एट इक्विब्रियम करके कोई चीज दी है तो फिर तुम तीन स्टेप्स नहीं करोगे फिर सीधा वैल्यू बुट करोगे आंसर आ जाएगा एक बच्चा कह रहा है सर आपने गलत कर दिया क्या गलत कर दिया क्या गलत कर दिया कोई तो दिक्कत हो गई क्या 1.79 आएगा सही बात ठीक आगे बढ़ते हैं एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस दे देता हूं अगर आप कहो तो मैं सेल्फ डेवलप्ड कर दूंगा ठीक है तुम करने की कोशिश करो बस इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है एन का ये क्वेश्चन है पैंतालीस uh, सेकंड काफी रहेंगे इसके लिए कि ज्यादा दे हैं? चलो साठ सेकंड दे देते हैं यार बहुत बच्चे कह रहे हैं पिछला वाला क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने ये वाला इसमें कुछ गलती है क्या क्या गलती है कुछ गलत है क्या मज़े ले रहे हो स्वामिंग कर रहे हो बच्चों इसका सही आंसर सी है ओमकार निहारिका संयम तगड़े क्यों भाई क्यों क्यों नहीं कर पा रहे ए? इतना आसान तो क्वेश्चन था यार हम्म पी सी एल थ्री वन पॉइंट फाइव नाइन एल टू वन पॉइंट फाइव नाइन पी सी एल फाइव वन पॉइंट फोर वन अब गलती क्या है चलो एच टू ओ प्लस टी ओ गिवस एच टू प्लस पीओ टू इनिशियल टाइम कुछ समय के बाद और इक्विलिब्रियम टाइम क्वेश्चन में लिखा है वन मोल ऑफ एच टू एंड वन मोल ऑफ यू वर हीटेड ये हमारे इनिशियल मोल्स दे दिए गए हैं टेन लीटर क्लोज फ्लास्क का मतलब हो गया ये वॉल्यूम दे दी गई है एट इक्विलिब्रियम फोर्टी परसेंट ऑफ वॉटर वॉज फाउंड टू रिएक्ट तो ये बड़े मजेदार इंफॉर्मेशन दी है ये वन है ये वन है ये जीरो है और ये भी जीरो है इसके बाद अगर ये मान लो x है तो ये भी x है तो ये भी x है तो ये भी x है तो ये वन माइनस एक्स है ये वन माइनस एक्स है ये x है ये x है अब जो इंफॉर्मेशन दी है फोर्टी परसेंट ऑफ वॉटर इसका चार डालना है क्या करना है इससे भाई x की वैल्यू निकलेगी ना यार सीधी सीधी बात हम जानते हैं कि अल्फा फोर्टी परसेंट दिया है फोर्टी अपॉन हंड्रेड का मतलब होता है जीरो पॉइंट फोर अब इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स जो कि वन है यानी कि एक्स की वैल्यू पॉइंट फोर आ गई यहां पर पुट करेंगे वन माइनस पॉइंट फोर यानि की पॉइंट सिक्स ये भी पॉइंट सिक्स ये पॉइंट फोर और ये पॉइंट फोर इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे केसी का वैल्यू निकाल लेंगे के क्या हो जाएगा एच टू टी ओ टू एच टू ओ देखो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फोर अपॉन टेन इन टू टेन क्योंकि अपॉन वॉल्यूम भी तो करेंगे ना ये तो मोल्स है पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स टेन और टेन वॉल्यूम भी अपॉन में करी तो यार ये हंड्रेड का तो काम ही खत्म हो गया अब ऊपर ऊपर क्या बच रहा है देखा जाए तो फोर इंटू फोर अपॉन सिक्स इंटू सिक्स क्या इसको आप कर नहीं पाओगे टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स फोर अपॉन नाइन फोर अपॉन नाइन क्या आंसर आएगा समझ गए पॉइंट फोर 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 समझे बच्चे लोग एनसीआरटी <coughs> के क्वेश्चंस करवा रहे हैं भाई पूरे के पूरे कल को कोई दिक्कत नहीं आने को मांगता है ये क्वेश्चन कल करा दिया था पीसीएल फाइव वाला तो हटा दो अभी अब सुनो तुम्हें होमवर्क क्या करना है सॉल्व डी पी पी टू एंड थ्री ये जरूर करना ठीक है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उसके बाद रिवाइज नोट्स कल से अपन लोग नया चैप्टर आईने यूक्म शुरू करेंगे आज की क्लास छोटी रहेगी ठीक है आज टाइम नहीं हुआ लेकिन अपने पास आज कुछ ज्यादा करने को था ही नहीं देखो 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 एक मैं एक, एक चीज रिपीट करना चाहता हूं एक मिनट रुकना बच्चों एक मिनट रुकना अगर आप में से काफी बच्चों का यह क्वेश्चन है सर, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट और करेक्टली या हमें आ नहीं रहा है तो बेटा मैं एक बात बता दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चंस मैंने परसों भी कराए थे मैंने कल भी कराए थे और मैंने आज भी कराए हैं मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन कराया है बेटा आप एक और मॉड्यूल खोलकर तो देखो आप चेक तो करो मॉड्यूल मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन जो केमिकल यूक्म का है वो कराया है एक्चुअली क्या है जब आप मॉड्यूल खोलोगे के तो केमिकल और आइनिक के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग खोलकर तो देखो आप लोगों को पता चलेगा बेटा क्वेश्चन कराए आईनी इक्विबरियम के क्वेश्चन के लेक्चर में करवाएंगे बेटा पूरे 222 क्वेश्चंस हैं 222 या 223 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वन में 200 क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं सारे के सारे नोट्स में करवाऊंगा मैं ठीक है अब सुनो मेरी बात तो इसका आंसर ये है जस्ट रिवाइज एंड राइट क्लास नोट्स अगेन तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी बेटा ठीक है वीडियो कॉल कर ले पूछ ले किसी बच्चों से कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अभिनव कुमार समझ में आ रहा है तो जैसे ये बच्चे जो लिख रहे हैं कि जैसे न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो क्या ये स्पैमिंग मानू मैं क्लियर हो रहा है न्यूमेरिकल्स लगा पा रहे हो हेलो हाय अश्विनी नीरज बेटा समझ में आ रहा है पक्का न्यूमेरिकल को जैसे आज देखा कि आठ दस न्यूमेरिकल सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे लगाए तो उससे थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी हुई थोड़ी मदद मिली वेरी गुड बेटा अश्विनी आपको वेरी गुड बेटा तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद चले जाइए ताकि बच्चे दूसरे आप आए भावना राठौर ये भावना राठौर यहां नहीं दिखाई दे रही यहां तो भावना राठौर समझ में आ रहा है तो जो बच्चे जो लिख रहे हैं वो मैं फिर स्पैमिंग समझू अच्छे से समझ में आ रहा है तुम न्यूमेरिकल गई नरगिस बेटा कैसे हो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रही हो न्यूमेरिकल्स के अच्छे से हो पा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे बच्चे कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है तो तुम्हें इस पर क्या कहना है सब सही है ऑल गुड क्या बात है चलो बेटा टाटा बाय बाय नेक्स्ट अमन सरकार बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं आइए अमन सरकार के पास आपको सीधा ले चलते हैं प्रसारण में अमन सरकार क्या हलचल मजा आ रही है तो जो ये कमेंट कर रहे हैं कि जैसे नहीं आया नहीं आया वो स्पैमिंग हो रही है मतलब अच्छा तो आपने जैसे आठ दस न्यूमेरिकल लगाए आज हमने सिर्फ नुमेरिकल लगवाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है तो अब क्या करोगे कोई बात नहीं तो तुम्हारा फर्ज यह बनता है कि सारे क्वेश्चंस को लेकर तुम्हें अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है दोबारा से रिवाइज करना है आज दो डीबीपी भी अपलोड करा रहा हूं दोनों में ग्यारह ग्यारह क्वेश्चंस हैं, सब बच्चों को वो लगाने हैं ठीक है, है? चलो डाटा बाय बाय टेक केयर विकास यादव इतना शोर कहां से ला रहे हो भाई कोलगेट जैसी स्माइल है तुम्हारी पेप्सोडेंट करते हो कि क्लोजअप करते हो सिर्फ दांत दिख रहे हैं तुम्हारे बहुत खूबसूरत हैं तो ये बताओ विकास समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स आज कितने लगा पाए तुम दस में से सही सही ईमानदारी से अरे वाह वेरी गुड यार तुम अतः तुम अच्छे से नुमाइ कर कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है पक्का मानकर चले हम देख लो भाई मेरे पास वीडियो प्रूफ है कि तुम्हें आ रहा है सब चलो बढ़िया वेरी गुड यार गेट टू गो बाय बाय शर्माते बहुत हो तुम लेकिन <laughs> तो देख क्यों नहीं रहे हो मेरी तरफ ऐसा क्या <laughs> चलो अच्छा बाय 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 तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं यार बहुत वीडियो कॉल्स हो गई हैं काफी बच्चों को आज सीधा प्रसारण में लिया है हम लोगों ने अब मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे बढ़िया तरीके से बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल स्टे मोटिवेटेड